संख्या 935। निम्न कथनों में से सही कथन कौन सा है? चार कथन दिए हुए हैं और चार कथनों में से हमें सही कथन कौन सा है ये बताना है। पहला कथन है, कारेल वशाक ने मानव अधिकारों की तीन पीढ़ियां बताई है। दूसरा, वशाक के वर्गीकरण में प्रथम दो पीढ़ियां वाले अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार थे। तीसरा कथन, तीसरी पीढ़ी के अधिकार राज्य के विरुद्ध समुदाय के अधिकार हैं। और चौथा कथन, तीसरी पीढ़ी के अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार हैं। ऑप्शन आपके हैं, कूट के आधार पर आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, वही ऑप्शन सी है 3 और 4, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा सभी। निम्न कथनों में से सही कथन बताना है। पहला कथन है, कारल वशाक ने मानव अधिकारों की तीन पीढ़ियां बताई हैं। दूसरा, वशाक के वर्गीकरण में प्रथम दो पीढ़ियों वाले अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति का अधिकार थे। तीसरा, तीसरी पीढ़ी का अधिकार राज्य के विरुद्ध समुदाय के अधिकार हैं। और चौथा, तीसरी पीढ़ी का अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार हैं। आंसर आपके सहदेव के आया है, ऑप्शन ए सुमन का, ए राजेंद्र मीणा का भी ए आंसर, अर्थात 1, 2, 3। बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया है। तो कारेल वशाक की बात करें तो चैक विद्वान है, चैक विद्वान है कारेल वशाक। और कारेल वशाक ने अधिकारों की तीन पीढ़ियां बताई हैं, अधिकारों की तीन पीढ़ियां बताई हैं। और ये तीन पीढ़ियां बताई हैं, प्रथम पीढ़ी के अधिकार, द्वितीय पीढ़ी के अधिकार और तृतीय पीढ़ी के अधिकार। और इसमें से प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के अधिकार हैं, ये जो अधिकार हैं ये राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार हैं, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार हैं। और ये जो तृतीय पीढ़ी का अधिकार है ये राज्य के विरुद्ध समुदाय का अधिकार है, ये राज्य के विरुद्ध समुदाय का अधिकार है। इसमें पहला कथन भी सही है कि कारेल वशाक ने मानव अधिकारों की तीन पीढ़ियां बताई हैं। दूसरा कथन भी सही है कि वशाक के वर्गीकरण में प्रथम दो पीढ़ी वाले अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार हैं। कथन तीसरा भी सही है कि तीसरी पीढ़ी के अधिकार राज्य के विरुद्ध समुदाय के अधिकार हैं। चौथा कथन सही नहीं है क्योंकि तीसरी पीढ़ी का अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार नहीं बल्कि समुदाय के अधिकार हैं। थोड़ा सा विस्तार से हम इसको समझते हैं। कारेल वशाक, चेक विद्वान है और इन्होंने अधिकारों की तीन पीढ़ियां बताई हैं, मानव अधिकारों की तीन पीढ़ियां बताई हैं। प्रथम पीढ़ी के अधिकार, द्वितीय पीढ़ी के अधिकार और तृतीय पीढ़ी के अधिकार। प्रथम पीढ़ी के अधिकार की हम बात करें तो प्रथम पीढ़ी के अधिकार के अंतर्गत इन्होंने नागरिक व राजनीतिक अधिकारों को रखा है, नागरिक व राजनीतिक अधिकारों को रखा है। वही द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार को रखा है। वही तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत एकजुटता के अधिकार को रखा है, एकजुटता का अधिकार को रखा है। प्रथम पीढ़ी का जो अधिकार है इसका जो मुख्य विषय है वो है स्वतंत्रता, मुख्य विषय है स्वतंत्रता।
यानी हम जब नागरिक को राजनीतिक अधिकारों की बात करेंगे तो नागरिक को राजनीतिक अधिकारों में किस पे बल दिया जाता है? स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। यानी व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता हो, राजनीतिक स्वतंत्रता हो। नागरिक को राजनीतिक स्वतंत्रता में मतलब व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है आदि। वही द्वितीय पीढ़ी के अधिकारों की बात करें तो द्वितीय पीढ़ी का अधिकार का जो मुख्य विषय है वो है समानता, और तृतीय पीढ़ी के अधिकारों का जो मुख्य विषय है वो है बंधुता। प्रथम पीढ़ी के अधिकारों का जो संबंध है वो है नकारात्मक अधिकारों से, नकारात्मक अधिकारों से। वही द्वितीय पीढ़ी के अधिकारों का संबंध सकारात्मक अधिकारों से है, सकारात्मक अधिकारों से है। और ये जो नकारात्मक अधिकार हैं ये मुख्य रूप से फ्रांस और अमेरिका की जो क्रांति है, फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई और अमेरिका की क्रांति जो 1776 में हुई, यहाँ से निकले हैं। सकारात्मक अधिकार की बात करें तो इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल दिया जाता है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल दिया जाता है। प्रथम पीढ़ी के जो अधिकार हैं इसमें हम प्रमुख अधिकारों की बात करें, प्रमुख अधिकार इसमें प्रमुख अधिकार आ जाएंगे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, गैर भेदभाव का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी से मुक्ति का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी से मुक्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये सब अधिकार किस में आएंगे? प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आएंगे। ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कोई सा भी ऑप्शन देखकर पूछ लिया जाए कि ये प्रथम पीढ़ी का अधिकार कौन सा है या नहीं है। इस तरह से द्वितीय पीढ़ी के अधिकारों की हम बात करें तो काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान का अधिकार इसमें हम कह सकते हैं। तो काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, इसके अंतर्गत हम सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को भी रख सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। ये सब आएंगे द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत। वही तृतीय पीढ़ी की हम बात करें तो तृतीय पीढ़ी में सामूहिक विकास का अधिकार, सामूहिक विकास का अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार, आत्म निर्णय का अधिकार। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आत्म निर्णय के अधिकार को तो तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत रखा जाता है, और एक है आत्म सम्मान का अधिकार, ये प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आता है। आत्म सम्मान का अधिकार प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आता है। तीन चीजों को ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इसमें हम शांति व पर्यावरण का अधिकार रख सकते हैं तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत, और लैंगिक समानता का अधिकार, बहु सांस्कृतिक अधिकार, बहु सांस्कृतिक अधिकार, ये अधिकार तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है।
कुछ और चीजें भी ध्यान रखिएगा। प्रथम पीढ़ी के जो अधिकार हैं, इसका जो मुख्य दस्तावेज है वो है नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर, नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधा, अंतर्राष्ट्रीय संविधा 1966 के संविधा है। वहीं द्वितीय पीढ़ी के अधिकारों का मुख्य दस्तावेज की हम बात करें, द्वितीय पीढ़ी के अधिकारों के मुख्य दस्तावेज की हम बात करें तो ये मुख्य दस्तावेज है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधा, अंतर्राष्ट्रीय संविधा, ये भी 1966 की संविधा है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो तृतीय पीढ़ी के अधिकार हैं, तृतीय पीढ़ी के जो अधिकार हैं, इसमें ये बात, इस बात पर बल दिया जाता है कि समस्याओं का समाधान वैश्विक हो, समस्याओं का समाधान विश्व स्तर पर हो, क्योंकि इसका तृतीय पीढ़ी में एकजुटता के अधिकार को रखा है। मुख्य विषय है बंधुता, भाईचारे की बात की जाती है, वैश्विकता की बात की जाती है। इसमें ये माना जाता है कि कोई भी जो समस्या है उसका संबंध पूरे विश्व से है, यानी समस्याएं वैश्विक हैं। जब समस्याएं वैश्विक हैं तो उनका समाधान भी वैश्विक स्तर पर ही होना चाहिए। जैसे कि पर्यावरण की समस्या, पर्यावरण की समस्या वैश्विक है, यानी किसी भी देश के द्वारा प्रदूषण किया जाता है उसकी वजह से जो ओजोन परत का नुकसान हो रहा है उसके परिणाम सभी देशों को भुगतने पड़ते हैं, पूरे विश्व को भुगतना पड़ता है। जिस तरह से समस्याएं वैश्विक हैं, समाधान भी वैश्विक होना चाहिए। तो तृतीय पीढ़ी के अधिकारों के संदर्भ में ये बात भी ध्यान रखिएगा, इस तरह से कारल वशाक ने तीन पीढ़ी के अधिकारों की बात की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।